मौरी, आज कौन सी देवी का दिन है? आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। गौरी, ये क्या सिखाती है हमें? सारी देवियाँ हमें जीवन में आदर्शों के साथ जीना सिखाती हैं, नियम, संयम और संकल्प के साथ। माँ ब्रह्मचारिणी हमें संयम के साथ रहने की शिक्षा देती है और हमारे मन को संयमित बनाती है। संयम हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। संयम के बिना जीवन में प्रगति नहीं होती, विकास नहीं होता और जीवन एक स्थान पर आकर ठहर जाता है। कोई भी कार्य चाहे कितना भी छोटा हो, कितना भी मामूली क्यों ना हो, किसी ना किसी प्रकार के संयम की आवश्यकता होती है। तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई, हम अभी आते हैं, तुम यहीं खड़े रहो। नहीं नहीं, यहीं खड़ा रहूंगा स्टैच्यू बनके, जरा भी नहीं लूंगा। क्या पता ये भी परीक्षा का हिस्सा हो, जरा भी हिला डुला तो गुस्सा हो जाएगी, फिर बाद में कहेगी कि श्री पांडे तुम परीक्षा में खड़े नहीं उतरे, तुम्हें परीक्षा में फिर से बैठना पड़ेगा। यहीं रह बेटा, चुपचाप खड़ा रह। अरे गौरी, ये क्या छुपा के लिए? अब ये शाम के लिए प्रसाद है। अच्छा। ये तो बालों में लगाते हैं ना? ये सब क्या है गौरी? ये सब तो औरतों के लिए होता है यार, ये सब मेरी परीक्षा के लिए क्या जरूरत है इनकी? जरूरत है, क्योंकि यही सब चीजें तुम्हारे संयम की परीक्षा लेंगी। देखो शिव, तुम्हें अपनी वासना पर विजय पानी होगी और अगर उसे जीत लिया तो तुमने हमें भी जीत लिया। हम माँ ब्रह्मचारिणी से तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। पढ़ाई और परीक्षा दोनों साथ साथ? माता, ये कैसी परीक्षा है? देखो शिव, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। हम इन सब चीजों को पूजा में आने वाली लड़कियों के सामने रखेंगे। अब ये उनके ऊपर है कि वो इनमें से क्या उठाती हैं। हाँ तो उठाने देना, इसमें मेरी क्या परीक्षा है? शिव पहले सुनो तो सही, जो भी लड़की इसमें से जो कुछ भी उठाएगी उनसे तुम्हें ये चीजें लाकर फिर से इसी प्लेट में रखनी है, लेकिन बिना मर्यादा पर आंच लाए। इसमें क्या डिफिकल्टी है यार? मैं प्यार से जाके रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे मांगूंगा, वो दे देंगी और लाके इस प्लेट में रख दूंगा। वेरी सिंपल। नहीं, उन्हें मालूम नहीं पड़ना चाहिए। ये कमरबंद है, साड़ी पहनने वाली औरतें इन्हें कमर पर बांधती हैं। क्या बात कर रही है गौरी, मैं किसी औरत की कमर से? और ये है कानों में पहनने वाले झुमके, ये बालों में लगाने के लिए क्लिप, और ये हाथों के लिए कंगन। अब तुम्हें सोचना है कि तुम इन सबको कैसे हासिल करो। याद रहे, बिना उन्हें बताए इन चीजों को हासिल करते वक्त अगर तुम्हारे मन में कोई भी गलत ख्याल आया या कोई वासना पैदा हुई तो तुम संयम की परीक्षा में फेल हो जाओगे। हम माँ से प्रार्थना करेंगे कि तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओ, तभी वो तुम्हारे भीतर अहंकार पैदा ना होने दे। गौरी, जय हो माता की। गौरी, अभी ने भी ना 9 दिन का व्रत रखा है। अब तुमको तो उसका पसंद ना पसंद सब पता है। एक काम करना, अभी के पसंद की ना सारी चीजें ले आना। कमला, झूठ कहे तो कहो, अभी और लड़कों की तरह थोड़ी ना है कि सबके सामने व्रत रखा और अकेले में गपा गप। ये क्या है गौरी? भाभी, ये शाम के लिए प्रसाद है। अच्छा, अब क्यों मुंह लटका के खड़े हो? गौरी है ना साथ में, बात क्यों नहीं कर रहे हो? फिर से कुछ हुआ क्या? बोलो। अब तलिका, तुझे ऑफिस नहीं जाना? नहीं, मुझे आज ऑफिस नहीं जाना, मैं घर पे बैठ के एक केस की स्टडी करूंगी।
केस की या संत की? दोनों की। गौरी भी ना यार, या क्या करना पड़ रहा है उसके लिए? डोंट वरी यार, जस्ट चिल। और तू ये क्यों कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। करना है मतलब करना है यार, कुछ भी करके किसी लेडी की कमर से बेल्ट निकालना ही है। बहुत कंफ्यूजन है, सीरियसली बहुत कंफ्यूजन है। तू ये क्यों कर रहा है ये तो बता नहीं रहा। और उसे बेल्ट नहीं, उसे कमरबंद कहते हैं। वही तू जिसलिए भी कर रहा है ना, पर एक बात ध्यान रखना, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। साड़ी पहनकर आना आरती के लिए, ठीक है? एक घंटे के अंदर ना। बाय। कहाँ रह गए थे तुम? आरती की तैयारी करनी है, सब लोग पहुंचने ही वाले हैं। अरे अभी है ना, लो सारे फूल सही तरह से गुथ गए। अरे बाबे, झूठ कहें तो कहूं कि मुंबई जैसे महानगरी में कोनो हाई फाई लड़का माला गूंथना जानता हो? वो साज में ना बहुत हुनरमंद आदमी होगा। अभी तुमको देखकर नहीं लगता कि तुम में ये कला भी है? अब भाभी, हुनर तो सब में होता है कोई ना कोई, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई इसे दर्शाता है और कोई सही समय आने का इंतजार करता है। और अपना काम करना तो इंसान की जरूरत है, उसमें कैसी वाहवाही। ये क्या इशारेबाजी चल रही है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों डकैती करने वाले हो। कितनी तेज नजरें हैं, नजरों को भी पकड़ लेती है। अब गौरी, आता हूँ एक मिनट में। कुछ तो पका रहे हो शेफ। इस सीधे साधे संत को भले ही ना पता चले, लेकिन ये शिव इसे अपने मिशन में इस्तेमाल ना कर ले। मैं भी एक मिनट में। तू कहाँ जा रहा है? जो मंगाया था वो ले आया हूं। अब ये तो बता, माजरा क्या है? ऐसी कौन सी पीएचडी की रिसर्च कर रहा जिसकी थीसिस कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रही? कभी कभी सवाल सवाल रहते हैं और जवाब जवाब रहते हैं, दोनों को मिक्स नहीं किया करते, वरना ना सवाल रहते हैं ना जवाब मिलते हैं। इसलिए जस्ट वेट एंड वॉच। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? कहीं मेरे बारे में तो कोई बात नहीं कर रहे? नहीं। तो फिर गुपचुप क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। हे शिव। हाय। हाय मिंका। हाय। ये तुम सबके लिए गिफ्ट है, जिसको जो चाहिए उठा लो। हे माँ, बचा मुझे। अगर आज जेम्स बॉन्ड भी होता ना तो इस्तीफा दे देता। इसे कहाँ से निकालूं? यहां से, वहां से, कहां कहां से। एक वो मेनका थी जिसने विश्वामित्र को फेल किया था,
एक ये मेनका है जो मुझे फेल करने पे तुली है। एक मुसीबत हो तो उसका हल निकालू ना, यहाँ तो मुसीबतों का मेला लगा हुआ है। बचाओ माथा, अभी तो मैं आधा अधर में हूं, आधा किधर भी नहीं हूं, क्या होगा मेरा। शिव को इस परीक्षा में सफल कर देना। हे माँ, अब जल्दी से हम दोनों की शादी करवा दो। जिससे हमारे फूल का बिल बच जाए। वक्त आ गया हथियार इस्तेमाल करने का। मिसाइल रेडी है? रेडी है। रेडी, 1, 2, 3। क्या हुआ? फ्रीक यार, सब कुछ स्पॉइल कर दिया। अब चेंज करना पड़ेगा मुझे। छिपकली भी हम सबकी तरह माता की बड़ी भक्त होगी, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। छिपकली काटती नहीं है यार, और आज छिपकली का भी तो व्रत होगा। इट्स ओके, जो होना था हो गया, डोंट वरी। गौरी, अब ये का ये भी खराब हो गया का? पूरी की पूरी चपने माते सारी खराब हो गई, दाग लग गया जैसा। अब भैया कुमको क्या करें? अब करना का है, जो करेंगे ना कल की पूजा में करेंगे। हम अभी आए, पूरी सारी गौरी की खराब हो गई। तुलिका कहाँ है? पीछे पीछे देख, पीछे पीछे पीछे, वो नीचे। मेरे को तो, हम लोग तो यहाँ थे यार। तुलिका कहाँ है? छिपकली वहां देख, वहां वहां पे भी नहीं है यार। हाँ कहाँ है? तुलिका सफाई अच्छे से कर लेना। थैंक यू, वेलकम। कुमकुम तुलिका पे डालने को कहा था, मुझ पे नहीं। गिर गया थोड़ा यार, संभाल लेना। शरबत ने सब खराब कर दिया। आई नो, ऑल ऑफ अ सडन हुआ, मैं क्या करती। झूठ कहे तो कहो, सब मीठा मीठा हो गया, एकदम चिपचिप कर रहा है। इससे अच्छा ना गंगा जी में गोता लगा लेते। हम चेंज कर आते हैं। हाँ, मैं भी चेंज करके आती हूँ। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं है। हाँ, दो शिकार तो हो गए, तीसरा बाकी है। तीसरी चीज भी हमें यही मिलेगी। चलो रेट डालते हैं। ओके ब्रदर, आजा। देख भाई, जो तू बोल रहा ना मैं वो कर रहा हूँ।
पर ऐसा कौन सा तिलिस्मी नॉवल का प्लॉट बना रहा है जिसका मेन ट्विस्ट नहीं बता रहा मुझे? क्यों अपना मजाक किरकिरा कर रहा है? तू एंजॉय करना, पॉपकॉर्न की तरह मुझे उछलने दे यार। तुझे जितनी उछल कूद करनी ना कर ले, पर ये 2% की स्माइल तेरे चेहरे पे बिल्कुल हजम नहीं होती। बंद कर अपनी बत्ती सी चल। सॉरी अभी ऐसे मुंह लटका के ना दर्द भरे गाना गुनगुनाने से ना काम नहीं बनेगा। थोड़ा सा तेजी लाओ, ये नहीं कि ना मैं अभी और बाकी सारा काम करेंगे फिर कभी। साफ साफ बात कीजिए ना। तो सुनो, ये जो सारी लड़का लड़की होते हैं ना, वो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा और समझदार समझते हैं, पर जब उनका पाला ना गांव देहात वालों से पड़ता है ना, तो उनको समझ में नहीं आता कि रोए कि हंसे। तो आप कहना चाहती हैं कि शहर के लड़के बेवकूफ होते हैं? अरे नहीं, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। हम तो ये कह रहे थे ना कि अगर कोई सरक छाप लड़का ना परगलाने की कोशिश करे ना, तो सजग रहना चाहिए। अपनी गौरी तो भोली भाली है। भाभी दोस्ती में तो ये सब चलता रहता है। अरे कहाँ चलता है, अरे वो बिस्तुया हमारा मतलब है वो छिपकली डाल के चला गया और बाकी सब लोग हे हे करते ना रह गई लड़कियाँ। हमारा मन तो किया ना कि ये पचास कान के नीचे सिपके। अरे भाभी इतनी छोटी सी बात पे आप इतना सीरियस हो रही है? जब पता है कि वो सही लड़का नहीं है तो सजग रहने में कहाँ जाता है। छूटता है तो कहो अभी, ये जो शिव है ना वो लापरवाही का पुतला है। नई लड़की देखी नहीं, 4 दिन आगे पीछे नाचा घूमा तो लगने लगता है ऐसा वैसा। गौरी के दिल में और गहराई से उतरना है ना तुम्हें, तो फिर गौरी की तरफ अपना ध्यान बढ़ाना होगा। अभी हम पता लगा के ही रहेंगे कि आखिर ना कौन सी खिचड़ी पका रहा है ये सिर्फ। अगर नहीं पता किए ना तो फिर ना खतरा करेगा। हाँ और तुम बस ढोल बजाते हुए रह जाओगे। कहे तो कहो आखिर बिस्तुया आई कहाँ से? बिस्तुया नहीं भाभी, छिपकली। अरे हमारे मिर्जापुर में। अब कमला भाभी तूने कहा बिस्तुया का मतलब छिपकली होता है, हमारे मिर्जापुर में छिपकली को बिस्तुया कहते हैं। हाँ तूने कहा। अच्छा छिपकली आई तो आई पर गई कहाँ? ये तो ऐसे घबराई हुई है जैसे डायनासोर से फाइट करके आई है और वापसी में फिर टकराना है। पर सर्च तो करना पड़ेगा ना, कहीं फिर से ड्रेस में घुस गई तो। एनीवेज गाइस, तुम लोग छिपकली ढूंढो, मैं निकलती हूँ। ओके बाय बाय। हम तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम्हें दरवाजे तक छोड़ के। जी झूठ कहे तो कहो तुलिका। हाँ अरे हमसे ना हाँ हर बात को ना मुंह में दबाने के लिए ना मुंह पे टेप नहीं लगाया जाता है। एले तुलिका तुमसे एक तो बात पूछे। हाँ भाभी पूछिए, पूछने में कोई रोक थोड़ी है। पूछिए पूछिए। तो बैठने देना हमें अच्छे से। तुलिका हम मिर्जापुर में ना सांप चुचुंदर बाघ बकरी कभी खेल खेले, लेकिन इसी पर गौरी के बीच में ना कौन सा खेल खेल रहा है ना हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अजबे गजब हरकत कर रही दोनों। हाँ भाभी ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। वही तो सोच तुलिका। हाँ कल तक शिव ना साढ़ भैंसे की तरह बात बात पर गिरता था ना, ऐसा लग रहा है जैसे मदारी वाले बंदर की जैसे ना सारे पे नाच रहा है गौरी के। लेकिन गौरी ने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो शिव ही है जो उतावला होके कुछ ना कुछ करता रहता है। हाँ तो काहे करता रहता है, अरे कोई काम धंधा नहीं है का उसको? जब देखो ना तुलिका वो तुम्हारे घर में घुसा रहता है, घर घुसना कहीं का। अरे अपने कमरे में जाके काहे नहीं रहता है? हमको तो शक है ना कि बिना साफ सफाई के ना उसका जो कमरा है ना मरे हुए चूहे की तरह ना महकता होगा। हाँ जी भाभी कैसी बातें करती हैं आप। अरे वो तो सिर्फ नवरात्रि की स्थापना थी इसीलिए सब लोग आए हुए, वैसे भी प्रॉब्लम क्या है उसमें? तुलिका प्रॉब्लम है नहीं पर हो सकती है। हाँ अरे अभी को ना जैसे आंख से देखता है ना सिर्फ हमको तो तनिको नहीं सुहाता है। भाभी आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं, सब दोस्त हैं और वैसे भी नवरात्रि के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, कभी कभार नजर आएंगे। लेकिन आप जो बात बोल रही हैं उसमें दम तो है, आज जो खेल हुआ उसमें मजा तो आया, लेकिन खेल हुआ क्या वो समझ में नहीं आया। अब ये बात तो चाहे शिव को मालूम होगा चाहे गौरी को,
पर ये दोनों तो मुंह खोलने से रहे। देखा नहीं कैसे ना देर इंची मुस्कान आ गया था सिप के चेहरे पे, जैसे कोई उसको ना मनी वनी मिल गया हो। भाभी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे तो पहले छुपकली ढूंढनी है। हाँ झूठ कहें तो कहो, अरे हम तो ना पता लगा के रहेंगे कि कौन सा खेल खेल रहे हैं ये दोनों देवी मैया की आड़ में। आ छिपकली मिली। तो मैं परीक्षा में पास हो गया, पर तूने जो भी कहा था वो सब तो मैंने हासिल कर लिया ना? हासिल छिपकली ने हासिल करवाया। तुमने अपना दिमाग तो सही दौड़ाया था शिफ, लेकिन इससे तुम्हारी संयम की परीक्षा नहीं हो पाई, क्योंकि तुमने उसकी नौबत ही नहीं आने दी, इसलिए तुम इस परीक्षा में असफल हो गए। झूठ कह तो खो, ना जाने कौन सी खिचड़ी पक रही है।